शाहजहांपुर के जिला सरकारी अस्पताल का एक नया कारनामा सामने आया। सहारा नर्सिंग होम में जाते हैं मरीज महिला वार्ड से, महिला वार्ड के डॉक्टर कमीशन पर, मोटे कमीशन से बेचते हैं। सहारा नर्सिंग होम जो के सहारा नर्सिंग होम की सुखिया सुल्ताना डॉक्टर है, वो इस समय महिला वार्ड में डॉक्टर है, वो वहीं पर से मरीज को डरा के भेज देती है कि आपका मरीज खतरे में है। ये आप देखिए, ये महिला को उन्होंने निकाल दिया है अपने नर्सिंग होम में ले जाने के लिए, लेकिन जब आशा से पूछा गया तो आशा मौके पे घबरा गई। आशा के चेहरे का रंग उड़ गया। जब आशा से पूछा गया आप ये कहां ले जा रही हो, तो आशा घबरा गई, आशा के चेहरे का रंग उड़ गया। मजबूरी आशा को पूरी बात बताना पड़ गई। क्या नाम है? कहाँ पर रही है? अरे सहारा नर्सिंग होम। सहारा नर्सिंग होम सुना आपने? आशा से लेके जो स्टाफ ड्यूटी पर होता है उन सबका कमीशन होता है। आप देख रहे हैं, हालांकि इस मामले में पीड़ित ने काफी हंगामा कर दिया था। पीड़ित गरीब परिवार से थी। आप देख रहे हैं ये जिला अस्पताल के बाहर ले जा रहे हैं, हालांकि काफी गहमा हुई और मरीज को आखिरकार बाहर कर दिया गया। हालांकि पीड़ित का ये भी कहना है, क्या कहना है, दरअसल लेके आई थी कुछ जब यहाँ लेके आई तो फिर क्या हुआ? यहाँ उन्हें मना करी। क्या कहा? हमारे बस की बात नहीं है, तुम ले जाओ हमारे अस्पताल, ले आओ यहाँ, वहाँ ऑपरेशन होगा। हमारे अस्पताल ले वो यहाँ है लोधीपुर में। सहारा नर्सिंग होम। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया? सहारा नर्सिंग होम। अच्छा, उस समय सहारा नर्सिंग होम में जो थी वही डॉक्टर नहीं बैठी थी? जो ये। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा ले जाओ अपने अस्पताल में? तो फिर तुम आप बाहर ले जा रही थी, वही ले जा रही थी? तो मैं तो उन्हें जाती हूँ। अच्छा, फिर लेकिन बाहर जो इतना ये मचा था आपा था, भी कोई तरफ कह रहा था बाहर ले जाओ, कोई कह रहा था बाहर ले जाओ, ये लोग कौन थे? सबको क्या कह रहे थे? मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिला अस्पताल में जब ले के आए तो उन्होंने ये कहा कि बाहर ले जाओ हमारे अस्पताल। दोनों जने ने मना कर दो, जो मना कर दिया था तुमसे बात भाई। हां हां, तो ये भीतर टाके लगा दी, हमने इन्हें बुलाया, तो ये कहने लगे कि देखो वो पहला बच्चा है और वो हमारे बस की बात नहीं, यहाँ कोई सुविधा है नहीं, यहाँ ऑपरेशन होना ही पड़ेगा, तुम उसी में ले चलो। कहा सुना आपने? ये वो सहारा नर्सिंग होम है जो लोधीपुर में थाना रोजा में स्थित है, और यहाँ पर जो सूफिया सुल्ताना है डॉक्टर है। हालांकि इस मामले की जब पूरी सीएमएस डॉक्टर रेखा शर्मा से बात करी गई तो उनका ये कहना था कि मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि महिला सीएमएस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कृपया हमारे चैनल को